नह मिल्कशेक, नह फालूदा। आज हम बनाएंगे एकदम क्रीमी समर ड्रिंक जिसको आप रोज बनाकर पीना पसंद करोगे। इसको पीने के बाद आप सचमुच में इस शरबत के दीवाने हो जाएंगे। दिल और दिमाग को खुश कर देने वाली इस 3 in टेस्ट की मज़ेदार ठंडी ठंडी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लें। तो हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग जार में 1 कप चीनी डाल दी है। आप कोई भी कप या फिर कोई भी कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 चम्मच ले ली है मैंने साबुत बादाम, तो ये बादाम भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे लिए है मैंने 2 चम्मच काजू, 2 पीस वाली काजू ली है। आप चाहें तो 4 पीस वाली कोई भी यहाँ पे काजू ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लिए है मैंने मगज के सीड्स, जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, तो 2 चम्मच। 1 चम्मच यहाँ पे आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 6 हरी इलायची ले ली है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया शानदार आएगा हमारे इस शरबत प्रीमिक्स में। तो चलिए इन सभी को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी 6 महीने तक रख सकते हैं। किसी भी कांच के एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख के स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये यहाँ पे मैंने कांच का कंटेनर ले लिया है। इसको मैंने पहले ही अच्छे से धो के धूप में बढ़िया से सुखा दिया था। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये लीजिए, हमारा यहाँ पे शरबत प्रीमिक्स बनके तैयार है। तो बस एयर टाइट कंटेनर में इसको इसी तरीके से बंद करके रख दें। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स, हमने लिया है यहाँ पे 1/2 लीटर दूध, ये देख सकते हैं। तो कढ़ाई अभी हमारी ठंडी है, हमने यहाँ पे फ्लेम को अभी चालू नहीं किया है। तो चलिए अपनी कढ़ाई के अंदर हम ये 1/2 लीटर दूध डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे काऊ मिल्क लिया है, आप चाहें तो बुफेलो मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध मेरा पहले से ही वैसे उबला हुआ है, आप चाहें तो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस शरबत को बनाने में। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि ये तली में जले ना। जब दूध हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर, क्योंकि हमने यहाँ पे काऊ मिल्क लिया है। अगर बिफेलो मिल्क होता तो हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती। इससे टेस्ट बढ़िया आएगा और गाढ़ापन आएगा। तो अच्छे से हमारा मिल्क पाउडर मिक्स हो चुका है और दूध में भी बॉयल आ गया है। जब दूध अच्छे से खोल जाए और इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रह जाए, तो हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच दूध लिया था। ये जो खाने वाली चम्मच होती है ना, तो ये लिया है। और मैंने 2 चम्मच ऐड किया है इसके अंदर वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, और इसको लगातार चलाते हुए हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। कस्टर्ड पाउडर को जो हमने पहले ही प्रीमिक्स बना के तैयार किया था ना शरबत के लिए, तो उसमें भी आप डाल के ग्राइंड करके रख सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर का ये घोल डालने के बाद हमारा दूध देखिए कितना जल्दी से ये गाढ़ा हो गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे शरबत का प्रीमिक्स बना के तैयार किया था ना, टेस्ट अकॉर्डिंग डाल देंगे, जैसा भी आप मीठा पीना पसंद करते हो शरबत को। मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच इसके अंदर ये प्रीमिक्स ऐड किया है। तो बस इसमें एक बढ़िया सा बॉयल आने देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, इससे बहुत जल्दी से गाढ़ापन आता है, और जो मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है। तो चलिए फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी ये हमारा शरबत काफ़ी गर्म है, तो हम रखेंगे इसको फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए, क्योंकि पूरे तरीके से जब तक ये चिल्ड न हो जाए तब तक इसको हमें फ्रिज के अंदर ही रखना है। तो 1 घंटा हो चुका है। तो लीजिए, हमारा एकदम ठंडा ठंडा बहुत ही चिल्ड कस्टर्ड मिल्क शेक बनके तैयार है, एकदम क्रीमी टेक्सचर में। अलग से हमें यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ऊपर से डेकोरेशन करेंगे इसकी। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप इस शरबत को बना के पीजिए, गारंटी से दिन भर तरोताज़ा महसूस करेंगे। होली आने वाली है, होली पर भी आप अपने मेहमानों और रिश्तेदारों को इस मज़ेदार ड्रिंक को सर्व कर सकते हैं। तारीफों के पुल बन जाएंगे जिसको भी पिलाएंगे। तो अगर ये आज की आसान सी रेसिपी हमारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।